नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जो ये ऑडियो है, ये अब तक की सबसे ख़तरनाक ऑडियो है। इससे पहले इमरान खान की कोई ऐसी ऑडियो नहीं आई है। यार, मैं माजी चाहे कम चंगा किया या ये कम बुरा किया, इमरान खान साहब से जो जो कहानियां वाबस्ता है वो बिल्कुल इसी चीज़ की तस्दीक करती हैं कि ऑडियोज आई हैं मार्केट के अंदर। दो ऑडियोज मेरे पास भी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ इस वक्त। पाकिस्तान में हर जगह फैल चुकी हैं। तो वो इमरान खान की कोई एक और ऑडियो लीक हो गई। तुम सो तो नहीं गए? तो जल्दी से आओ वापस। ना कैसे आओ, क्या सर तबीयत ठीक नहीं और इस वक्त तुमने मेरा क्या हाल किया। मैं अभी वो डॉक्टर को निकाल कर तो नहीं दिखा सकती, बदतमीज। क्या करने लगी अब, तुम नहीं आ सकती? नहीं, मैं नहीं आ सकती। I can't leave her like this. Maybe उसको वो nebulizer वगैरह की जरूरत है। फिर कब, अगले कब? देखता हूँ अगर वो मेरे वो सारी फैमिली, मेरे बच्चे आ रहे हैं ना परसों, मेरी फैमिली ना आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ उनको जरा डिले करता हूँ। ठीक है, तुम अपनी फैमिली को फिर मुझे बता देना। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह बताता हूँ। मुझे नहीं, सुबह बताता हूँ तुम्हें। ओके, सुबह हाँ ठीक है, बिल्कुल ओपन। हाँ बिल्कुल खुला। तो बिल्कुल कर्व कर रहा है ऊपर तक। क्यों नहीं काम कर रही? लैंडलाइन करती है वैसे काम? क्या लैंडलाइन काम क्यों नहीं कर रही है? पता चल जाएगा। इमरान खान की कोई ऐसी ऑडियो नहीं आई। बुशरा बीबी की आ चुकी हुई है, लेकिन वो इस तरह की नहीं थी। वो लेन देन के मामलात, हीरे की अंगूठी और इस तरह के मामलात की वीडियोज हैं। फिर वो तोशाखाना की ऑडियोज हैं, इस तरह की जिसमें प्रोफेनिटी हो, इस तरह की ऑडियो जो है वो अभी तक मार्केट में नहीं आई है। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा काम है जो कि डेफिनेटली इमरान खान के मुखालिफिन को फ़ायदा पहुंचाएगा। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट इमरान खान साहब से पूरी तरीके इंसाफ से है कि बजाय सिर्फ टेलीविज़न पे आके इसको जुठलाने के, आप लोग बाकायदा तौर पर मुतालबा करें कि इन ऑडियोज़ का फॉरेंसिक करवाया जाए। क्योंकि एक बात तो मैं मानता हूँ, आपको शायद याद होगा, एक ज़माने में टेलीविज़न शोज़ आया करते थे जिसमें इमरान खान के लुक अलाइक या इमरान खान जैसे दिखने वाले लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम सब उम्मीद से हैं, उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स पे टीवी शोज़ आए जिसमें मुख्तलिफ सियासतदानों का रूप धार के कुछ अदाकार एक शो किया करते थे। उसमें इमरान खान की आवाज़ निकालने वाले लोग बेशुमार थे। अगेन, इमरान खान की आवाज़ निकालने वाले बेशुमार अदाकार मौजूद हैं जो कि इमरान खान जैसी आवाज़ निकाल सकते हैं। लिहाजा टेम्परिंग के चांसेस हैं, इस बात का एहतमाल है कि ये टेम्पर्ड हो। लेकिन चूंकि बहुत करीब करीब जाके इमरान खान की बिल्कुल लहजे से मुताबिकत रखने वाली आवाज़ इस ऑडियो में सुनाई दे रही है, तो कई ऐसे लोग हैं, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो यकीन कर जाएंगे। तो हर किस्म के अबहाम को दूर करने के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, पूरे तरीके इंसाफ से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन ऑडियोज़ का बाकायदा तौर पर फोरेंसिक करवाएँ। भाई का करैक्टर शुरू से ही ढीला रहा है, वो कभी से भी जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि अपराइट आदमी, वो नहीं रह सके। और तो और, बाकी रही सही कसर, उन दो ऑडियोज ने पूरी कर दी है जो कल रिलीज हुई हैं, लीक हुई हैं, वट एवर आप उसको जो भी कहें। 1 मिनट 6 सेकंड और 4 मिनट 52 सेकंड की दो वीडियोज ने, दो ऑडियोज ने इमरान खान साहब के करैक्टर का मुकम्मल तौर पर खुलासा कर दिया है, मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब को बेनकाब कर दिया। और इन ऑडियोज के अंदर इतनी घटिया, इतनी इखलाक बाख्ता, इतनी वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल की गई है कि बंदा कहता है कि यार ये
कौन सा शख्सियत है जो हमारे पल्ले पड़ गया। मुझे नहीं पता कि उनकी ये वाली जो ऑडियोज हैं ये दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि इनकी हकीकत का तायुन सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब इन ऑडियोज का फॉरेंसिक कराया जाए, पता चलेगा जनाब ये ऑडियोज दुरुस्त है या कट पेस्ट करके की गई है। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि आप इस टेक्नोलॉजी से रूगर्दानी नहीं कर सकते, आप 100% यकीन के साथ नहीं ये बात कर सकते कि जनाब क्या हकीकत है क्या फसाना। लेकिन वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के माजी से वाकिफ़ हैं, वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के साथ माजी में वक्त गुजार चुके हैं, वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब की ऐसी तमाम हरकात के शाहिद हैं, गवाह हैं, वो इसी बात की जो है वो तस्दीक करते हैं कि भाईजान बंदा तो इस तरह, चाहे आप आयशा गुल अली को देख लें, चाहे आप रेहम खान की किताब को देख लें, ये वाली ऑडियोज़ को देख लें, और तो और चंद रोज़ पहले जो इमरान खान साहब की कैप्टनसी में खेल चुके हैं वसीम अकरम साहब, उन्होंने अपनी एक किताब की जो है वो उसको लॉन्च किया था ऑस्ट्रेलिया में, और वहां पर उन्होंने जो इंकशाफ किए थे कि जनाब किस तरीके से इमरान खान साहब ने एक जो खातून थी उनके साथ उनकी दोस्ती थी, वो वसीम अकरम को कहते हैं चला मैं तो सैर करा के ले आवा, उस खातून के जहाज में बैठे एक सुनसान जजीरे पर ले गए, वहां जजीरे के ऊपर एक ही घर था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वसीम अकरम साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की हुई। इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है और वो ऐसी नहीं है कि उसका मैं जिक्र कर सकूं कि क्या डिस्कशन हो रही है उसमें, क्या हो रहा है, लेकिन अफसोस हुआ सुनकर मुझे। और पता नहीं, अब आई एम श्योर कि अगर मेरे तक पहुंची है तो औरों तक भी पहुंची होगी सोशल मीडिया पे, और ये रुकनी तो है नहीं। लेकिन बहरहाल वो ऐसी नहीं है कि मैं उसका तफसीली जिक्र करूं या उसके मतलब बात करूं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, बस मैं सिर्फ यही दुआ कर सकता हूँ। हम सब कमज़ोर लोग हैं, हम गुनाहगार भी हैं, अल्लाह ताला हमारे ऐबों पे पर्दा डाले और हमें माफ़ करें। तो आई मीन इससे ज़्यादा मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। उसमें मुबीना तौर पे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान की आवाज़ लगती है उसके अंदर, और वो एक खातून से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे जहाँ से आई, मुझे तो कहा भी गया ये खातून ये हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उस सियासतदान का नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं उस खातून का नाम भी नहीं लेना चाहता जो मुझे बताया गया। आवाज़ें लगती उनकी हैं, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं ये एहतियात मैं क्यों बरत रहा हूँ इस वक्त, इसकी वजह ये इंतहाई वाहियात किस्म की गुफ्तगू है, इंतहाई वाहियात किस्म की, और मतलब बड़ी ही लूज टॉक है, बहुत ज़्यादा लूज टॉक है, मतलब वो ऐसी लूज टॉक है कि अगर आपके इर्द गिर्द अगर बच्चे हो ना तो आप बराए मेहरबानी उसको डायरेक्टली आप स्पीकर पे सुन भी नहीं सकते, आप उसको हेडफोन लगा के आपको सुनना पड़ेगा, इस किस्म की गुफ्तगू है। तो इसलिए मैं एहतियात बरत रहा हूँ और मैं वहाँ तक जा नहीं रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको बताऊँ कि इस ऑडियो के अंदर है क्या गुफ्तगू क्या हुई है। लेकिन अगर मैं एक इसमें अगर का लफ्ज़ बीच में ऐड करना चाहूँगा कि अगर तो ये ऑडियो जेन्युइन है तो इसका मतलब है कि खेल बहुत गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा, कि इस हद तक पर्सनल लेवल की गुफ्तगू भी जो है वो अब लीक होना शुरू हो गई है, वो बहुत ही पर्सनल लेवल की है। मतलब अगर सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये ऑडियो जेन्युइन भी है कि नहीं, जाहिर बात है सबसे पहला सवाल तो ये है, और अगर है तो फिर जितनी आज तक आपने ऑडियो सुनी है ना, मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा इखलाक से गिरी हुई ऑडियो आपने नहीं सुनी होगी जो मैं सुन चुका हूँ। तो इसलिए और इससे लग रहा है कि अब खेल बहुत गंदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है, और वो जिन चीज़ों का हम ढके छुपे अल्फाज में सरगोशियों के अंदर कोने खुदरों में बैठ के बात करते थे ना, वो कोई ऑडियो हैगी है, कोई वीडियो हैगी है, मुझे लग रहा है कि शायद उन गेट्स के खुलने का वक्त आ गया और ये सिलसिला अब शुरू होने लगा। तो अल्लाह बचाए इस चीज़ से, अल्लाह सबकी इज्जतों को महफूज रखे, और अल्लाह ना करे, मैं ख़ुद ये बात कहूँगा कि अल्लाह ना करे कि ये ऑडियो जेन्युइन हो, मैं ख़ुद ये दुआ करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा शॉक होगा अगर ये बात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गंदा खेल शुरू हो चुका है, अभी तक तो पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो केबल किसी चीज़ के बिकने या लेने देने के बारे में आ रही थी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा पर्सनल ऑडियो आने लगी हैं। इमरान खान की एक महिला के साथ बहुत ही ज़्यादा
गंदी वीडियो वायरल हो चुकी है। पाकिस्तान में राजनीति में लोग कितना गिर सकते हैं ये इस ऑडियो से पता चल रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही इमरान खान ने बाजवा और पाकिस्तानी फौज आईएसआई पर आरोप लगाया था कि ये लोगों की गंदी वीडियोज बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इसी के साथ अब इमरान खान की भी ऑडियो मैदान में आ चुकी है, जिससे पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मच चुका है, क्योंकि इमरान खान की ऐसी ऑडियो है कि इमरान खान का करेक्टर को साफ साफ दिखा रही है। इतनी ज़्यादा गंदी ऑडियो है कि हर कोई बंदा सुन ही नहीं सकता। पाकिस्तान में ये सब आम होता है, क्योंकि पाकिस्तानी इस वक्त सियासत इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, क्योंकि इमरान खान पहले ही बोल चुका है कि मैं असेंबली डिजॉल्व करने जा रहा हूँ। उसे रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत इमरान खान पर हर हथकंडे आजमा रही है। अभी तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आवाज़ इमरान खान जैसी है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।